दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। एक और मेरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन आपके काम में आ सकता है कि भैया जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे डेरिवेशन किए, बड़ी बड़ी चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो जनरल कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता होंगे। भैया जैसे पोजीशन के लिए जनरल कोऑर्डिनेट को क्या लिखते थे, एक्स से नहीं बल्कि क्यू से लिख दिया करते थे। पीछे हम लोगों ने डेरिवेशन करे ना मेरे भाई, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक होता है। ये कमरा है पूरा, यहाँ एक मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर भैया एक्स से कितनी दूरी पे है, वाई से कितनी दूरी पे, जेड से कितनी दूरी पे है मेरे भाई, भाई उसके कोऑर्डिनेट जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। हम कहते हैं गोली चल गई, आप कहोगे कहां चली, हम कहेंगे भैया यहां रामलीला मैदान के पास चली, तो तुम समझ जाओगे भैया तो रामलीला मैदान वहां पे क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, वहां से ना पर आए मेरे भाई, यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ करता था। तो कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट पे अगर मेरे भाई हम आपको पढ़ा चुके हैं, कांस्टेंट पढ़ा चुके हैं, उस पे कोई अगर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है या हटा हुआ, दुनिया भर का सब नौटंकी होने के बाद आसानी से अगर आप मोशन को डिस्क्राइब कर पा रहे हो तो उसी को हम लोग कह देंगे मेरे भाई जनरल कोऑर्डिनेट। जनरल मतलब सामान्य, आराम से सीधे दिख जाए भाई। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, का वह मिनिमम नंबर यानी कम से कम जिससे हम लोग वेरिएबल को, या मिनिमम नंबर या वेरिएबल जो डायनामिक सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब कर पाए, कम से कम वो नंबर होना चाहिए। जैसे मेरे भाई यहां देखो हमने क्या कहा, जैसे अभी इसमें हम एग्जांपल लिखेंगे, मान लिया कोई वृत्ताकार पथ पे पार्टिकल गति कर रहा है, तो जब वो यहां है तब हम कह देंगे भैया थीटा के कोण पे, फिर सर जी टू थीटा के कोण पे, थ्री थीटा के कोण पे, चार पे, पांच पे, सिर्फ थीटा बताना पड़ रहा। तो मेरे भाई इसके लिए जो क्या बोलते हैं जनरल कोऑर्डिनेट हो गया, कितना हो गया, एक हो गया। तो इसलिए कम से कम इस्तेमाल करके आप अगर पोजीशन बता पा रहे हो तो वही जनरल कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें, बहुत सारे लोग हम लोग मोहल्ले में मिलते हैं, मोहल्ले में तो नहीं कह सकते हैं, जैसे हुआ क्या उस दिन हम लोग चौराहे पे खड़े हुए थे, चौराहे भी नहीं कहेंगे उसे हम घंटाघर कहेंगे, तो घंटाघर पे जब खड़े हुए थे तो घंटाघर से मेरे भाई दो रोडें आई हुई हैं इधर की तरफ, तो हम खड़े हुए थे उस पर जो लकड़ी मंडी के लिए रोड गई है, दूसरी रोड आई जो लालमिली चौराहे की तरफ आई है। तो अब उसने हमसे, गाड़ी वाले ने पूछा कि भैया बस स्टैंड जाना किधर से जाएं, तो अब हम अगर उसे बताएंगे भैया इधर और वो रोड कौन सी पकड़ रखी थी उसने, लकड़ी मंडी वाली, तो अगर हम कहते इधर ही चले जाओ तो पता क्या होता, आगे चल के वो बाजार में फंस जाता, उस दिन बुध भी था, बाजार में फंस जाता, बौरा बनता रहता, तो अब हमें उसे कुछ ऐसा बताना पड़ेगा आराम से पहुंच जाए। तो हमने भाई तुम एक काम करो, रोड चेंज कर लो, लाल इमली चौराहे वाले बाजार, और कतई सीधे चलते रहना, रुकना नहीं, तुम चाहे घुस जाना तब भी रुकना नहीं, अगर तुम्हें इन्हें उतारना भी हो तो तुम सीधा फटकिया पहुंच जाओगे, वहां से मेरे भाई बस स्टैंड पहुंच जाओगे, या फिर आगे चल के पूछ लेना। तो जनरल का मतलब कितनी आसानी से कम वेरिएबल्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो सर, ठीक है। तो लिख दिया हमने ये सर, ठीक है, मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड होता है जनरल कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। इन्हें हम लोग कायदे लिखते थे Q1 से, Q2 से, Q3 से, डैश डैश, Qk से, Qj से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, अगर कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, फॉर k उसमें कांस्टेंट लगे हुए हैं, कांस्टेंट हम आपको बता चुके हैं कितने रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, तो मेरे भैया अगर n पार्टिकल्स हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती, गति कैसे होती, बताओ। गति भैया ऐसे होती कि अगर बाई चांस सिर्फ एक पार्टिकल है तो मेरे भाई या तो इधर गति करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, तो एक एक पार्टिकल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, तीन होती है। दो पार्टिकल कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी, मतलब गुणा हो गई। तीन के लिए कितनी हो जाएगी, नौ हो जाएगी, यानी तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, गुणा हो रही, तो ऐसे n पार्टिकल कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतने में मोशन कर सकता था वो, लेकिन उसमें हमने k कांस्टेंट लगा दिया, भैया इसमें मोशन नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस का k हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट पार्टिकल कितने हो जाएंगे, मोशन नंबर कितना, 3n माइनस का k हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ri तथा टाइम t के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। हमने एक इक्वेशन में इस्तेमाल भी करा था कि भैया अगर हमें जनरल कोऑर्डिनेट्स को लिखना है i और मतलब दोनों के टर्म में, तो ये देखो लिख दिया qi बराबर qi R1 R2 RN, ये किसका फंक्शन है बताओ, RN का, T और T का, यानी पोजीशन का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन है, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे XY प्लेन पर एक, वही हमने बात करी, जैसे XY प्लेन पर एक सर्कुलर वायर है, ठीक, सर्कुलर वायर पर मोशन हो रहा, तो दूरी कितनी R ही रहेगी, दूरी बढ़ेगी घटेगी नहीं, अगर दूरी बढ़ घट नहीं रही तो हम सिर्फ थीटा बताते रहेंगे, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, तो यही हमने लिखा हुआ है। मोशन के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट थीटा ही पर्याप्त है, अतः यहां जनरल कोऑर्डिनेट कितना है, सिर्फ थीटा है, थीटा पता है, वृत्ताकार पे चक्कर लगाते रहो, हम बताते रहेंगे तुम इस समय कहां पे हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये अपने काम की चीज है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये हमने बना भी दिया इसका डायग्राम कि अभी यहां पे है तो थीटा पे, यहां आ गए तो थोड़ा थीटा बढ़ जाएगा, थीटा का मान बताते रहेंगे और कहां पे पोजीशन में ये बताते रहेंगे सर, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं जनरल कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, सारे के सारे करा रहे हैं, और मेरे भाई
जिन बच्चों का पेपर अब शायद 19 तारीख को पेपर है, बच्चे जहां तक बताए, तो 19 तारीख को अगर फिजिक्स का पेपर है तो देखो भाई ये मान के चलो, हालांकि हमने आपको बताया हमें निकलना है 14 को, लेकिन 14 तक हम जितना करा पाएंगे वो तो सब करा ही देंगे, जितना इंपॉर्टेंट सब खत्म ही कर देंगे, फिर हम वापसी करेंगे 17 तारीख को। तो 17 तारीख को वापस आने के बाद फिर देखेंगे आगे, अगर और किसी की क्यूरीज वगैरह होंगी वो भी करा के जाएंगे, फिलहाल तो हम पहले ही सब करा के जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर डालो भाई ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मेरे भाई केवल नेम रिएक्शंस छोड़ी हमने, बाकी सब करा दिया, उसे भी हम आज ही खत्म करेंगे। तो आज ये पूरा क्लेश खत्म, फिर आप थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डालते रहेंगे, कराते रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगेगा आपको कुछ लगे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, देख लेंगे, और उसके बाद मेरे भाई आसानी से आप चीजों को कर पाओगे, ठीक है। बाकी कल थर्ड सेमेस्टर में पूरे दिन काम करने का मेरा प्लान है, और फिर फर्स्ट में तो हमने लगभग सब करा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर, थैंक यू।